हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पन्नू ठाकुर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पोको F1 में फोर्टनाइट का गेम प्ले, वो भी अल्ट्रा हाई ग्राफिक पे। तो गाइस, आप सब लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि फोर्टनाइट का गेम प्ले लेके आइए पोको F1 में, या फोर्टनाइट को कैसे चला सकते हैं किसी भी डिवाइस में। तो गाइस, कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ फोर्टनाइट की, कि कैसे आप किसी भी फोन में फोर्टनाइट को चला सकते हैं, चाहे आपके पास रेडमी नोट 5 हो या कोई सा भी छोटा फोन हो या बड़ा। तो गाइस, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। और आज मैं आपको दिखाऊंगा फोर्टनाइट का गेम प्ले पोको F1 में, वो भी अल्ट्रा हाई ग्राफिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे, दोस्तों मैं लेके आ गया हूं फोर्टनाइट का गेम प्ले पोको F1 में। एंड कल गाइस मैं वीडियो डालूंगा कि कैसे आप इसे किसी भी फोन में चला सकते हैं, और मैं आपको इसे OnePlus 3T में चला के भी दिखाऊंगा, वो भी प्रूफ के साथ। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। और गाइस, अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जो थे वो पूरे हो गए हैं। तो अब मैं गिववे लेके आने वाला हूं बहुत बड़ा, तो आप बस वेटिंग करिए। मैं जनवरी में वीडियो डालने वाला हूं गिववे की, दिसंबर के एंड में या जनवरी तक मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू गाइस, मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मैं ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो और गाइस, आज मुझे फोर्टनाइट चला के दिखाने वाला हूं पोको F1 में, ये अल्ट्रा हाई ग्राफिक पर चला के दिखाऊंगा आपको इसकी मैक्स सेटिंग पे। और जो पोको F1 का प्रोसेसर है वो आपको पता ही होगा, स्नैपड्रैगन 845 है। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फोर्टनाइट चल रही है, देखिए इसकी सेटिंग है लो, मीडियम, हाई और एपिक। एपिक मतलब अल्ट्रा हाई, आप देख सकते हैं। एंड जो इसके FPS है, मैंने 30 पे चला रहा हूँ, और गाइस ये 30 FPS से ज़्यादा चलती भी नहीं है। ये इसके मैक्स FPS है 30 FPS, ये 60 FPS पे भी नहीं चलती है। एंड इसका लेटेस्ट वर्जन है फोर्टनाइट का। मैं आपको इसके मोड दिखा देता हूँ, देखिए मैं इसके आपको थोड़े से और मोड दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सोलो, ड्यूस, स्क्वाड एंड प्लेग्राउंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा सोलो। एंड गाइस, ये इसका सीज़न 7 चल रहा है आई थिंक। एंड मैंने ये गेम जब चला के देखा था तो मुझे इसमें एक एरोप्लेन मिला था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा लेके इसमें। और गाइस, आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको मैं इसमें बहुत हाई परफॉर्मेंस पे दिखाने वाला हूँ। मैक्स सेटिंग पे चला रहा हूँ, फोर्टनाइट की यही मैक्स सेटिंग है इसमें, और मैं मैक्स सेटिंग पे चला रहा हूँ पोको F1 में। तो गाइस, अगर आपके पास स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर से या उससे ऊपर का फ़ोन है तो आपके फ़ोन में भी ये मैक्स सेटिंग्स पे चल जाएगी। और कल मैं इसको टेस्ट करूंगा OnePlus 3T में, जिसमें कि 820 स्नैपड्रैगन 821 का प्रोसेसर है। तो उसमें चेक करते हैं कि उसमें हाई पे चलेगी कि नहीं चलेगी। और गाइस, अगर आपको कुछ जानना है, पूछना हो, या आपको ये गेम चलाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। और चलाने में कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आई एम श्योर ये गेम आपके फ़ोन में चल जाएगी। अब वैसे कल मैं प्रूफ के साथ वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं इसे मैक्स सेटिंग्स पर चला रहा हूँ, तो आप भी देख पाएंगे कि कैसे हाई ग्राफिक्स के मैक्सिमम सेटिंग्स पे ग्राफिक कैसे लगते हैं फोर्टनाइट के, और आप भी जज कर पाएंगे कि पबजी बेटर है कि फोर्टनाइट। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कौन सी अच्छी लगती है, पबजी कि फोर्टनाइट। और गाइस, मैं दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी की शुरुआत में वीडियो लेके आने वाला हूँ गिववे की, क्योंकि हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो गाइस, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया उसके लिए। एंड स्टिल आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे ऐसे ही कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मुझे आपको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस, आप मुझे पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर आपको ये गेम चलाने में या आपको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है, पूछना है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिए। एंड यहाँ आप देख सकते हैं फोर्टनाइट हमारी चालू हो गई है, और आप ग्राफिक्स देख सकते हैं इसके कि कितनी स्मूथ चल रही है, 30 FPS पे चल रही है इस समय। एंड आप ग्राफिक देख सकते हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, एपिक पे चल रही है, मतलब मैक्सिमम ग्राफिक्स यही हैं इसके फ़ोन में। एंड एज यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ये काफ़ी मोस्ट अवेटेड गेम थी, ये पहले फ़ोनों में चल नहीं रही थी। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, बट वो भी जो मैंने जिस तरीके से चलाई थी उस तरीके से ज़्यादा दिन चल नहीं पाई गेम अब। बट अभी ऑफिशियली चलने लग गई है सब फ़ोनों में, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये गेम डालनी है तो आप डाल सकते हैं, और कल मैं प्रूफ के साथ ही वीडियो लेके आऊँगा कि ये किसी भी फ़ोन में चल जाएगी, क्योंकि मैं कल इसे OnePlus 3T में चला के दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके FPS बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी चल रही है गेम। एंड इसकी मैक्स ग्राफिक्स है,
एंड गाइस इस गेम का जो साइज़ है वो मुझे बहुत ज़्यादा लार्ज लगा, 2.71 GB की ये गेम है जो कि काफ़ी बड़ी है पबजी से, पबजी 1.5 GB के आसपास है और ये 2.5 GB से भी ज़्यादा बड़ी गेम है। अभी मैंने गेम खेली नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए मुझे इसको पता नहीं है कैसे कैसे करना होता है इसमें। एंड एक बार मैं ऐसा अभी आज खेल रहा था तो मुझे इसमें वो मिला है एरोप्लेन, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इसमें। अगर मुझे अभी मिल गया एरोप्लेन तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग करी हुई क्लिप दिखाऊंगा अपनी। मुझे इसी फोर्टनाइट एंड्रॉयड वाली में ही एरोप्लेन मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे उड़ाने में बहुत मज़ा आया, ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो चीज़। एंड अभी देखते हैं, पर मुझे उस वाले जब मैंने पहले खेली थी तब भी कोई एनिमी नहीं मिला, मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा था। एंड अब भी मैं खेल रहा हूँ तो शायद मुझे कोई एनिमी मिले ना मिले पता नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको वो वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा जो मेरी थी एयरप्लेन वाली। ये देखिए गाड़ी खड़ी है, चलिए इसे लेके देखते हैं, गाड़ी लेगा नहीं आई डोंट नो, मैंने गेम पहले नहीं खेली है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो ये इसे नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं, चलिए कहीं और ढूंढते हैं, क्या पता कहीं और कोई गाड़ी मिल जाए। गाइस अगर आपको कुछ पता हो कि बेस्ट चीज़ें कहाँ मिलती है फोर्टनाइट में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे फोर्टनाइट बिल्कुल भी खेलनी नहीं आती है। और अगर आपको मेरे साथ पबजी खेलनी है तो मैंने अपनी आईडी दे रखी है, तो आप उससे जाके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरी आईडी से। चलिए गाइस अभी जब तक हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं आपको अपनी एरोप्लेन वाली क्लिप दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वो रिकॉर्डिंग है जो मैंने करी थी, इससे पहले भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो मैंने किसी वजह से रोक दी, पर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वही क्लिप है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुझे इसमें एरोप्लेन मिला था फोर्टनाइट में। एंड आप देख सकते हैं 30 FPS पे ग्राफिक्स कितने अच्छे आ रहे हैं फोर्टनाइट के, मतलब काफ़ी अच्छी बनाई है इन्होंने फ़ोन की, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई, तो मैं इसे उड़ाना सीख रहा हूँ था जब। और अभी तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो अभी मैं आपको यही वाली क्लिप दिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ इसकी ग्राफिक्स और आप जज कर पाएँ कि कौन सी ज़्यादा बेटर है पबजी की फोर्टनाइट, आप खुद जज कर पाएँ इस चीज़ को। इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा इसमें। यहाँ आप देख सकते हैं दो दो एरोप्लेन खड़े हैं। एंड गाइस एरोप्लेन वाली चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी फोर्टनाइट में, बट मुझे अभी ड्राइव करना नहीं आता है। अगर आप में से किसी को आता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ड्राइव कर नहीं पा रहा हूँ, इसे काफ़ी हार्ड हो रहा है मेरे लिए ड्राइव करना ये। तो अगर आप में से किसी को आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई थिंक ये गोली भी चलाता है, चेक करते हैं, शायद चलाता है वो, शिट यस आप देख सकते हैं गोली चला रहा है, तो ये गोली भी चलाता है, ये तो बढ़िया गेम है। ओ शिट लो हम क्रश हो गए गाइस, आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हम सब क्रश हो चुके हैं। चलिए अभी और देखते हैं, अब कुछ और चीज़ चेक करते हैं, इस वाली क्लिप को हटाते हैं। होप गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तो गाइस अभी काटिएगा मत, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबा रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसके ग्राफिक्स अच्छे से दिखा पाऊँ आपको, इसके टेक्सचर्स के बारे में दिखा पाऊँ, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है तो वो भी आप देख पाएँ, वो चीज़ के लिए मैं इसे ज़्यादा बड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने। एंड पोको F1 की परफॉर्मेंस भी इसमें मैटर करती है, मैं इसलिए इसे ज़्यादा देर तक खेल रहा हूँ, ताकि अगर आप पोको F1 लेने वाले हैं तो आपको भी परफॉर्मेंस देखना ज़रूरी है कि कितनी देर तक कैसा चल पाता है, हीट हुआ कि नहीं हुआ। गाइस वैसे पोको F1 जो है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है जो कि आपको 20,000 रुपये मिल जाता है स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर के साथ, तो ये काफ़ी ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है, इसमें कोई डाउट नहीं। एंड मैं इसे काफ़ी देर से खेल रहा हूँ फोर्टनाइट को, इसमें 10 मिनट से लगभग 10 मिनट से खेल रहा हूँ मैं इसे, एंड मुझे अभी तक कोई हीटिंग इशू भी नहीं लगा है, ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है। देखिए हमें एक व्हीकल मिल गया, अब हम इसे चला के देखते हैं, ये एक गाड़ी है इसमें, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें गाड़ी के पीछे रॉकेट लग रहा है, मतलब फोर्टनाइट एक अलग ही गेम है, आप देख सकते हैं जैसा कि इसमें गाड़ी के पीछे भी रॉकेट लगे होते हैं, ये उसकी तरह जैसे बीच पे बाइक होती हैं वो उसकी तरह ये। एंड मेरी बाइक जो है वो पलट गई है, एंड अभी मैं इसे सीधा करता हूँ, रुकिए गाइस। पोको F1 में बिल्कुल भी लैग नहीं कर रही है गेम, आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने पबजी का गेम प्ले किया था वो भी लैग नहीं कर रही थी, तो एक अच्छा है गेमिंग के लिए। अगर आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो पोको F1 ले सकते हैं, अगर आपका बजट 20,000 से कम है या 20,000 तक है तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आप 12,000 तक का लेना चाहते हैं तो आप Realme 2 Pro ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है।
एंड आप यहाँ देख सकते हैं मेरी गाड़ी जो है सीधी हो गई और मेरा प्लेयर इस पर उल्टा बैठ गया है चढ़ के। आप देख सकते हैं ये उल्टा बैठ गया है बंदर की तरह, क्योंकि मुझे ये गेम अभी खेलनी नहीं आती है। चलिए अब बैठ के देखते हैं, अब चलाते हैं इसे। ये वाटर में आप वाटर का ग्राफिक्स देख सकते हैं, पानी ग्राफिक्स में देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि गेम है उस हिसाब से काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं इसके। गाइस मुझे इसमें से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, बाहर कहाँ से जाऊँ, ये इसके ऊपर चढ़ नहीं रही है। पर मैं गाड़ी को ही बाहर लेके जाना चाहता हूँ, देखते हैं कैसे जाएगी। तो मुझे बाहर जाने का रास्ता कहीं मिल नहीं रहा है इसमें, मैं परेशान हो गया हूँ। कहीं तो चढ़ जाए यार, रॉकेट काय बात का लगा रखा है पता नहीं, इसमें फालतू फंड का रॉकेट लगा रखा है। ये नाम का रॉकेट है, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और वही वाला हाल है, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है रॉकेट का। तो ये छोटे छोटे पहाड़ों पर नहीं चढ़ पा रही है, रॉकेट के साथ तो इसे उड़ जाना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे गेम बनाते हैं। बट गाइस स्टिल मुझे गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है गेम। अगर आप भी खेलना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है फोर्टनाइट का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल पर आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं फोर्टनाइट एंड्रॉयड, आपको वहाँ ये मिल जाएगी। एपिक गेम्स की वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करते समय याद रखें कि ये 2-2.5 GB से भी ज़्यादा गेम है, 2.71 GB का गेम है ये, तो आप ज़्यादा से नेट लेके इसे डाउनलोड करें या किसी वाईफाई से डाउनलोड करें, क्योंकि ये साइज़ में जो गेम है ये काफ़ी बड़ा है। मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया इसे डाउनलोड करने में, जबकि मेरे पास काफ़ी अच्छा नेट है, फिर भी 20 मिनट के आसपास डाउनलोड होने में लग गया इस गेम को। तो गाइस मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।